अन्योंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? जैसे कि आप सब जानते हो, आज कौन सा दिन है? आज हमारे प्यारे से तेते का बर्थडे। सो ये रहा उसका वन शॉट। स्टोरी का नाम है माय फेक हस्बैंड। और आप लोग कमेंट करके तेते को विश करना बिल्कुल मत बोलना, बहुत सारा विश करना हमारे तेते को, क्योंकि हमारा तेते हमसे दूर है इस बर्थडे। वो मिलिट्री में सर्व कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी हमारा तेते हमारे पास होगा। तब तक आप लोग ये स्टोरी एंजॉय कीजिए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी की तरफ। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। सो ये रहे इस स्टोरी के मेन लीड जियांग जांगकुक, 29 इयर्स ओल्ड, और ये अपना बिजनेस चलाते विद अपने तीन पार्टनर्स के साथ। बाकी सब इनके बारे में जानेंगे स्टोरी में। सो ये रही इस स्टोरी की मेन लीड किम तेयंग, ये 28 इयर्स ओल्ड है और ये अपना बिजनेस चलाती है विद थ्री पार्टनर्स। बाकी सब जानेंगे इनके बारे में स्टोरी में। ते मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तू क्या कर रही है यहाँ से वहाँ? तू चल रही है, सुन रही है मेरी बात? जिमिना, तुझे पता है मैंने ना मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। मैं ही जाके कुल्हाड़ी पे पैर मार के आ गई। सब लोग के पैरों पे कुल्हाड़ी आके मारता है, लेकिन मेरे पैर पे मैंने ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं फंस गई जिमिना, मैं फंस गई। तू पागल वागल हो गई है क्या? तू हंस क्यों रही है? मैं यहाँ पे तुझसे फाइल पे साइन करवाने लाई थी, तू क्या बोल रही है? कुल्हाड़ी पे मार दिया, कुल्हाड़ी आके मारता है क्या? तू साफ साफ बोल, वरना मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ओके, मैं बताती हूँ क्या हुआ। आफत आ गई जिमिना, मॉम ने कॉल किया था। मॉम का कॉल मतलब मेरी तो शामत आ गई। मॉम तो इस बार तो जिद पे अटक गई। मॉम ने कहा था कि मैं लड़का लेके आ रही हूँ, तुझे शादी करनी पड़ेगी यार टेनिकॉस, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तो मैंने 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 कह दिया कि मेरी शादी हो गई। व्हाट, शादी हो गई? तूने कह दिया? मुझे पता है आंटी हमेशा तेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन तू सीधा बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, सीधा शादी हो गई। वैसे लड़का कौन है और शादी कब हुई? अरे जिमिना, मैंने मॉम को टालने के लिए झूठ कहा था कि मेरी शादी हो गई, लेकिन मॉम ने कहा कि वो कल के कल आ रही है मेरे हस्बैंड से मिलने। अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ मेरा हस्बैंड? व्हाट, तूने झूठ कह दिया तेरी शादी हो गई? इसका मतलब आंटी आ रही है मतलब अंकल भी आ रहे हैं, मतलब तेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। अभी तू लड़का कहाँ से लाएगी? यही तो बात है जिमिना, अगर मॉम को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे तो पता है। अभी मैं क्या करूँ? लेकिन मेरे पास एक आइडिया, तू मानेगी मेरी बात? ओके यार, बता क्या करना है, बता। ज्यादा कुछ नहीं, तू युंगी को मेरा फेक हस्बैंड बना देना जब तक मॉम डैड है तो उन्हें दिखाने के लिए, फिर मॉम डैड जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तू पागल पागल हो गई है क्या? मैं और मेरे युंगी को तेरा फेक हस्बैंड बनाऊंगी, सोचना भी मत, भूल जा तू। यार जिमिना, ऐसे तो मत बोल, तू ही तो मेरी फ्रेंड है, अगर तू ही मना कर दूंगी तो मैं क्या करूंगी, कहाँ पे जाऊंगी, एक दिन में कहाँ से लाऊंगी हस्बैंड? देखते, तू जानती है मैं युंगी के मामले में कितना पॉजिटिव हूँ। अगर वो किसी से लड़की से बात भी करता है या कोई लड़की उसके क्लोज पे आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तू यहाँ पे कह रही है कि मैं उसे तेरा फेक हस्बैंड बना दूँ? हाँ, सोच के देख, अगर अंकल आंटी को युंगी पसंद आ गया और तेरा फेक हस्बैंड रियल हस्बैंड बन गया तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, भूल जा, मैं युंगी को किसी भी हालत में नहीं देने वाली हूँ। तो क्या करूँ, तुझे मेरा फेक हस्बैंड बना लूँ? हाँ, या मॉम डैड के सामने क्या दुखी मैं झूठ बोल रही थी? तो मॉम डैड कल ही मेरी शादी करा था, स्पेशली मॉम तो कल लड़के को पकड़ के मेरी शादी करवा देगी। तो चिंता मत कर, व्हेन इज पैक जिमिनस हियर, सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुझे सिर्फ फेक हस्बैंड चाहिए ना, डोंट वरी। जब हमारे पास हमारा पर्सनलाइज है तो हम क्यों कहीं पे भी जाए, चल तुझे तेरा फेक हस्बैंड दिलाती हूँ। जिमिना, तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पर्सनलाइज ऐसा कौन है जो हमारी बात मान के ये सब करने के लिए तैयार हो जाए, मेरा फेक हस्बैंड बनने के लिए तैयार हो जाए? तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तू मेरे साथ चल, मैं सीधा सीधा ही तुझे मिलवा देती हूँ, ठीक है? तेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, चल तू मेरे साथ। ओके ठीक है, चल, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू करना क्या चाहती है। A few moments later. हे जेके, मुझे और तेको तुझसे जरूरी बात करना है। बिल्लू, तुम भी यहाँ पे हो, अच्छी बात है। जेके, तू जो भी काम कर रहा है बाद में कर, पहले बात सुन मेरी। शॉर्टी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब भी तू मेरी कैबिन में आएगी नॉक करके आया कर। मानता हूँ ये कंपनी हम चारों की है, लेकिन फिर भी तुझे नॉक करना चाहिए ना, मैनेज नाम की चीज होती है ना,
हाँ जेके, तू अपनी फालतू बातें बकाना बंद कर। इट्स सीरियस मैटर। बिल्लू देखो ना जेके को कैसे बात कर रहा है मुझसे। हाँ हाँ बेबी मैं समझ गया। जांगकुक क्या कर रहा है? हाँ हाँ तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही सपोर्ट करोगे ना, ना कि अपने फ्रेंड को। ठीक है शॉटी बोल क्या बोलना है तुझे, और तुम इतनी ज्यादा टेंस क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? सो ओके सुन जियोन जांगकुक, तुझे हस्बैंड बनना पड़ेगा आज ही। बेबी क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? हाँ शट अप गाइस, ऐसे शॉकिंग रिएक्शन मत दो। और बिल्लू मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तुम चुपचाप बैठो, देख तुम बताओ सारी बातें खुल के। सो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, मॉम का आज कॉल आया था। तुम्हें तो पता है ना मॉम हमेशा कॉल क्यों करते हैं, पापा से शादी के बारे में ही कॉल किया था। और मॉम ने इस बार कहा था कि मैं लड़का लेके आ रही हूँ, तुझे इस बार अटेनी को शादी करनी पड़ेगी। और तुम लोगों को तो पता है मुझे नहीं करनी, तो मैंने झूठ बोल दिया मम से कि मैंने शादी कर ली किसी और से। क्या तुमने झूठ बोल दी? क्या तुम क्या बच्ची हो? हाँ तुमने झूठ बोल दिया, अभी तुम कितने टाइम से आंटी से ये सब छुपाओगे? हाँ बिल्लू वो पहले से परेशानी, उससे और परेशानी मत दो ठीक है? ते तुम बोलो आगे की बातें बताओ हम लोगों को। सो मेरी मॉम ने कहा था कि वो मेरे हस्बैंड से मिलना चाहती है, और वो कल की कल ही आ रही है। सो अभी मुझे एक फेक हस्बैंड की जरूरत है, इसके लिए मैंने जिमिना से कहा युंगी को मेरा फेक हस्बैंड बना देना, क्योंकि मॉम डैड 1 महीने के लिए आ रहे हैं, सो 1 महीने के लिए। लेकिन जिमिना ने मना कर दिया, उसने अपने रीजंस दिए जो कि वैलिड है। तो अब मैं क्या करूँ मेरे पास? हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, युंगी बन सकता है तुम्हारा फेक हस्बैंड। और शॉडी को छोड़ो, वो तो कुछ भी सो बोलती रहती है। तुम क्या कहते हो युंगी? हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मदद कर सकता हूँ ठीक है अगर देख चाहती है तो। बेबी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि मैंने तेरे से कहा तुम नहीं बन सकते उसके बॉयफ्रेंड, मैंने कहा तो कोई मतलब ही होगा ना। हाँ मैं युंगी, हाँ तुम क्या समझते हो? सोचो अगर तुम्हें तेरे के साथ 1 महीने उसके घर पे रहना पड़ेगा, और अंकल आंटी को तुम पसंद आ गए तो क्या होगा? हाँ तो क्या होगा? अगर मैं तुमसे मिलने आई तो उन्हें तो ये लगेगा तुम्हारा मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और तुम तेरे को चीट कर रहे हो। हाँ और हम लोग 1 महीने तक नहीं मिल पाएंगे, क्या ये सब तुम्हें चलेगा? मैं नियूंगी, इसी वजह से मैं सोच समझ के कह रही हूँ। और बोलो मत, हम चारों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो अंकल आंटी को तो पता चल ही जाएगा अगर हम लोगों ने ऐसे। ओके ओके बेबी मैं समझ गया, मैं नहीं बन रहा हूँ तेरा फेक हस्बैंड, सो डोंट वरी। तुम बताओ अब हम क्या करें आगे, कैसे बचाए तेरे को इस प्रॉब्लम से, तुम बताओ इंटेलिजेंट पार्क जिमिन। ओके मैं नियूंगी, मैं बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। इसी वजह से मैंने सोचा कि जेके को बनना पड़ेगा ते का फेक हस्बैंड, समझ रहे हो मैंने पहले ये क्यों कहा? नहीं नहीं तू पागल वागल हो गई है क्या शॉटी? हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो कुछ भी करोगे क्या तुम लोग? कुछ भी मुझसे करवाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों फेक हस्बैंड बनूं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बनने वाला। ऐसे ते तुम्हें ये सब जमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? आंटी दिखा रही है ना लड़के को, मिल लो, अच्छा लगा तो शादी कर लो, वरना मना कर दो, सिंपल। जंगकुक तुम प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम नहीं जानते हो मेरी मॉम कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि तुम लोग जानते हो मुझे लाइफ टाइम सिंगल रहना है, मुझे ये प्यार व्यार इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तुम लोग जानते हो ना होवी के साथ क्या हुआ, वो कितना उससे प्यार करती थी, लेकिन आखिरकार उसके साथ क्या हुआ? हाँ वो हमारे बीच नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने चीट किया, मुझे इसलिए इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। पते मैं मानता हूँ जो ओवी के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना, सबके साथ यही होगा। जिमिन को देखो, युंगी को देखो, वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगर ऐसे कपल भी हैं तो ऐसे कपल भी हैं ना, तो वो सब मुझे नहीं पता। जंगकुक मुझे शादी नहीं करना है तो नहीं करना है, वैसे भी मैंने मॉम से कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, और मैं किसी और को भी नहीं ढूंढ सकती, मुझे नहीं पता उसका इंटेंशन क्या होगा। अगर मैंने उससे एक्टिंग करने को कहा फेक हस्बैंड का, इसके लिए मैं तुझे कह रही हूँ, बन जाना यार प्लीज। हाँ जंगकुक तेरी की बात मान ले, ये बहुत रिस्की होगा किसी स्ट्रेंजर को ऐसा करने का कहने का, क्योंकि वो हर वक्त 24/7 तेरे के साथ रहेगा, और हमें नहीं पता कि उसका इंटेंशन क्या है। वो कुछ भी कर सकता है तेरे के साथ, इसके लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि तेरे का वीक पॉइंट क्या है,
क्योंकि वो फेक हस्बैंड बनने को कह रही है, इसके लिए मैं हम लोग कह रहे हैं तू बन जा, यही आइडिया बेस्ट है, जंगकुक मान जा, सिर्फ एक महीने की बात है। ओके फाइन जंगकुक, तुम्हें बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को भी ढूंढ लूंगी और उसे अपना फेक हस्बैंड बना दूंगी। सो थैंक यू, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, अभी मैं चल। ते बात सुन, देखा जंगकुक, देखा, अभी तो खुश हो ना तुम, तुम क्यों नहीं समझते ते के लिए कोई और ठीक नहीं होगा, तुम अभी भी अपने जिद पे अड़े हो ना, अड़े रहो। ओके ओके जिमिन, मैं समझ गया तेरी बातें, हाँ मैं हेल्प करूंगा तेरे को, ठीक है अभी मैं जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, ठीक है चलता हूँ। A few moments later. ते मेरी बात सुनो, तुम गुस्से में नहीं समझ पा रही हो, रुको। अब क्या है तुम्हें जंगकुक, मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे बहुत सारे काम है। ते तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड बनने के लिए तैयार हूँ एक महीने के लिए, ठीक है अभी चलो कैबिन के अंदर, वहाँ पे बात करते हैं, वो दोनों भी वेट कर रहे होंगे क्योंकि कल अंकल आंटी आ रहे हैं, उससे पहले हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तो चलो फिर बाद में ये हमारे टॉम एंड जेरी का खेल खेलेंगे, ठीक है चलो कैबिन में, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ क्या करना है हम सबको, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगी, ठीक है बाद में, हाँ बाद में देख लेना अभी चलो। सो गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉम को तो शक हो ही जाएगा अगर हम लोग बताएंगे कि शादी हो गया, मॉम प्रूफ मांगेगी, इसके लिए हमें फेक शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक प्रेस की जरूरत है और हम चारों माचो तो होंगे, गैस की जरूरत नहीं है, और हमें शादी करवाना पड़ेगी और फोटोज भी क्लिक करने पड़ेंगे, और कोई जाके प्रीस को बुला के लेके आओ, कोई जाके जंगकुक के लगेज को मेरे घर में शिफ्ट करो, और कोई जाके वेन्यू को बुक करो क्योंकि आज शाम को ही शादी है, समझ गए, सारे के सारे काम तुम लोगों को कैसे करना है, और मैं जाऊंगी रेडी होने। उफ क्या प्लान बना है, अगर ऐसा प्लान तुम अपने किसी और काम में लगाते तो आज तुम कहीं और ही होती, यहाँ पे नहीं होती, एनीवे छोड़ो इस बात को, ठीक है मैं जाता हूँ वेन्यू को बुक करने। सो ठीक है, मैं जाके जंगकुक का सारा लगेज लेके आके तेरे घर पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ठीक है मैं जाके प्रिंस को बुला के लाती हूँ। सो ये है पार्क जिमिन एंड मिन युंगी, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और ये दोनों तेकुक के चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, वो चारों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और बिजनेस एक साथ ही करते, उन सारों की कंपनी एक ही है, तो ठीक है सब लोग ने अपने अपने वर्क चूज कर लिए, तो जाओ जाके अपने काम करो, हम सब शाम को मिलेंगे वेन्यू पे, ठीक है बाय बाय। बिल्लू मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ बिल्लू,
लेट्स गो होम और तुम दोनों निकल जाओ, दफा हो जाओ। ओह माय बेबी डोंट वरी, चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें रिलैक्स कर दूंगा। ओह तुम पर्वत बिल्लू और उसकी किटन, तुम दोनों दफा हो जाओ अपने घर पे, वहां पे जाके ये सब बातें करना। वैसे छोड़ी, तुम कब से इतनी ज्यादा सैवेज होने लगी हो? हाँ, जब से वो मेरे साथ रहने लगी है तब से। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, मुझे हंसी आ रही है तुम दोनों को कांग्रेट्स करने को। एनीवे चलो मुझे चलते हैं। ये कैसा तरीका विश करने का जिमिना? एनीवे थैंक यू। बाय द वे मैं बोलना भूल गई तुम लोगों को, कल मैं और जंगक ऑफिस नहीं आएंगे, तुम दोनों को हैंडल करना पड़ेगा, पता है ना? क्यों नहीं आ सकते, मॉम डैड आ रहे हैं, सो संभाल लेना कल ऑफिस। डोंट वरी थी, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तू अपनी मॉम डैड को संभाल, ठीक है? बाय, गुड नाइट। ओके थैंक्स यार, तूने मेरी इतनी मदद की, बाय गुड नाइट। फिर ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को बाय कहते, युमिन अपने घर चले जाते, तेज जंगो को अपने घर लेके जाती है क्योंकि कल उसकी मॉम डैड आने वाले हैं ना, इसके लिए वो लोग तेज के घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं कब तक खड़ी रहूँ, क्या करूँ, अंदर जाऊँ क्या? मेरा ही तो रूम है, जा सकती हूँ लेकिन अंदर जाऊंगे, भाग जाऊँ क्या यहाँ से? पर मैं क्यों भागूँ मेरे कमरे से? नहीं नहीं मुझे अंदर जाना चाहिए, वरना सुबह तक मैं वरना ये पे थोड़ी ना खड़ी रह सकती हूँ। नहीं नहीं मुझे अंदर जाना चाहिए, अंदर कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना है। जंगो के मेरा फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त, हाँ मान के वो हस्बैंड है बट फेक हस्बैंड, जा सकती हूँ मैं। हाँ और मुझे उसे सबक भी तो सिखाना है, उसने मुझे पहले मना किया। हाँ मुझे वो भी बाकी है पेंडिंग, चलते हैं तू कर सकती है। नाउ लेट्स गो, अंदर चल। ओ तुम वेलकम टू योर रूम, आजा आजा तुम्हारे तो रूम है, आजा आजा बैठ जाओ कंफर्टेबली। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कैसे बैठे हो, तुम सही से बैठो? हाँ तुम मेरे रूम में मुझे वेलकम कर रहे हो? एनीवे फिर तेज जाके बैठ जाती है जंगो के साइड में। जंगुक, 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 हाँ, सो, अगर हम लोग ऐसे सो बोलते रहे ना, सुबह हो जाएगी, ठीक है? तुम यहाँ पे बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? ए रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने तभी कहा था कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुमने पहले मुझे मना क्यों किया? हाँ सब कुछ जानने के बाद भी मुझे जवाब दे के जाओ जंगुक। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। हाँ तो अब बताओ मिसेस जॉन, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ और बात कर रही हो, स्टॉप दिस जंगकुक। स्टॉप व्हाट बेबी? हाँ जंगकुक स्टॉप दिस रे। Yes, princess, but what should I stop, huh? वो मैं, मुझे जाने दो जंगू, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ baby girl, huh? You really don't know what I'm trying to do, huh? क्यों तुम्हें कुछ हो रहा है, huh? baby, बताओ? वो जंगू, तुम ये क्या करना चाहते हो तुम? ज़्यादा कुछ नहीं बेबी, जो वेडिंग की बात करते हैं वही। हाँ मैं भूला नहीं हसी मुलाकात। जंगू क्या 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 कर रहे हो तुम? तुम अपनी शक्ल देखो। जियोन जंगकुक, तुम ना चुपचाप जाके काउच पे सो जाओ, वरना मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता, चुपचाप चले जाओ। ओके जा रहा हूँ, डरा क्यों रही हो? ते 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 सो गई क्या तुम? जंगकुक सो जाओ काउच पे, वरना मैं तुम्हें काउच पे भी सोने नहीं दूंगी, और बेड तो भूल ही जाओ, तुम कहीं पे भी नहीं सो पाओगे, तो चुपचाप सो जाओ। फिर जंगू कुछ नहीं कहता, वो सोफे पे सो जाता है और ते भी सो जाती है अपने बेड पे।
सोने भी नहीं देता। अरे वही इसे देखो ये क्या हो रहा है, मुझे सोने। A few moments later. Mom, आप अभी आप तो शाम को आने वाली थी। वो सब छोड़ो, ऑटो रास्ते से मुझे अंदर जाने दो। वैसे मेरा सनेलो कहाँ पे और तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? हाँ मॉम, कोई सुबह सुबह किसी के घर पे ऐसे आता है क्या? हाँ डैड, आप भी अंदर आना। कौन सनेलो? क्या सनेलो? मैं नींद में हूँ, क्या बोल रहे हो मॉम? देखा 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 नमजन, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये लड़की झूठ बोल रही है। देखा अभी बोल रही है कौन सा सनेलो, मतलब इसने शादी नहीं किया। उस लड़के को बोला हम लोग इसकी शादी करवा के जाएंगे। बुलाओ उस लड़के को नमजन, बुलाओ। जीन जीनू क्या कर रही हो? वो नींद में इसके लिए ऐसे बोल रही है। तुम भी ना शांत हो जाओ, कुछ भी बोलने लगती हो, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नमजन, बिल्कुल नहीं। मुझे उस लड़के से शादी करवानी है, इसके मेरे पसंद के लड़के से। बुलाओ उसे। ओ गॉड, अभी मैं इसका क्या करूं? मैं कहां पे फंस गया इन दोनों के बीच में? माँ बेटी के बीच में मैं पिस रहा हूँ। ओ बेबी, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह अपने अभी को छोड़ के? हाँ तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, तो कहाँ गई तुम? ओ तुम उठ गए सोना? मैं बेबी, मुझे लगा कि तुम सो रहे हो, तुम डिस्टर्ब हो गए। हाँ नहीं बाबू, वो एक्चुअली मैं सो रहा था, तुम नहीं थी तो मैं जैसे आवाज आई नीचे से तो मैं नीचे आ गया। अंकल आंटी आप आए हो? आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। जानको तुमने कैसे शादी की थी? तूने हमें बताया नहीं कि वो तेरा बॉयफ्रेंड उफ हस्बैंड जो बन गया है, आई मीन हम लोगों का सन इन लॉ, वो जानको के तूने बताया भी नहीं हमें। वो मॉम मुझे ना आपको सरप्राइज देना था, इसी वजह से मैंने नहीं बताया कि वो लड़का जंकू की है। ओ अच्छा ऐसी बात है, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ। वैसे तुम दोनों के प्यार को कितने समय हो गया, आई मीन कितने महीने या साल तुम लोगों ने हमें नहीं बताया? बताओ। एक साल एक महीना। क्या? लेकिन तेने तो कहा एक साल और जंकू तुमने कहा एक महीना, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम दोनों? वो कुछ नहीं आंटी, वो ते और मैं ये कहना चाहते थे कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो के एक साल एक महीना हुआ है, ये हम कहना चाहते थे। और रियली इसने क्या बातों को बदल दिया, मैंने सोचा भी नहीं था ये वही जंग हो गया क्या। ओ ऐसी बात है, ठीक है तो तुम लोगों ने शादी कब की? हाँ एक हफ्ते पहले। ओ अच्छा ऐसी बात है। वैसे जंगू तुमने अपने मॉम डैड को बताया इस बारे में कि तुमने ते से शादी कर ली? क्या हुआ, तुम दोनों क्या सोच रहे बच्चों? हाँ बताओ जंगो, तुमने बताया कि नहीं? नहीं आंटी, आपको तो पता है ना मेरे मॉम डैड हमेशा अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, इसके नहीं बताया। वैसे भी ते और मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग सरप्राइज देंगे, लेकिन फिर ये सब हो गया। ओ अगर मैं ते को नहीं बोलती कि उसे शादी करनी पड़ेगी, तुम लोग तो ये बात बताते ही नहीं हमें, है ना? ऐसे ही छुपा के रखते है कि नहीं? नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, एक बार मिसेस एंड मिस्टर जियान को आने दो, फिर उन्हें भी बताना ये सब। फिर और एक बात मुझे तुमसे पूछना था तुम दोनों से। बस जीनू बस, कितना सवाल, सीबीआई की तरह तुम अपने सवाल लेके उनके ऊपर चढ़ी जा रही हो सुबह सुबह। उन्हें सांस तो लेने दो, बाद में पूछ लेना। हम लोग वैसे भी यहाँ से अभी थोड़ी ना जा रहे, एक महीना है, आराम से तुम उनसे बात कर सकती हो, ठीक है? ओके नमजुन, ठीक है। वैसे बाद में तुम दोनों की शादी की फोटो मुझे दिखाना, ठीक है? बाद में। ओके मॉम, सोना तुम जाके चेंज करके आ जाओ, फ्रेशन अप होके। मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाती हूँ। मॉम डैड आप यहीं पे बैठे, मैं अभी आती हूँ। ओके बाबू, मैं जाता हूँ, फ्रेशन अप होके आता हूँ, ठीक है? जूनी तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि बच्चे कुछ अजीब सा वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं? कुछ भी सवाल पूछो तो वो लोग ऐसे जवाब दे रहे हैं। जीनू ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम कुछ भी कहो जूनी, मुझे इन दोनों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी,
मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है इन दोनों के ऊपर, मुझे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो ये है ते के मॉम डैड जिन एंड नम जून। थैंक गॉड यार मैं बच गया, आंटी कितना सवाल पूछ रही थी, मुझे लगा कि मैं फंस ही जाऊंगा। अच्छा हुआ कि हम दोनों ने संभाल लिया कैसे भी। लेकिन इस टे को बताना चाहिए ना मुझे कि हम लोगों का ये सो कॉल जो भी है प्यार कब स्टार्ट हुआ। मैंने बोल दिया एक महीना, उसने बोल दिया एक साल, फंसते फंसते हम दोनों बच गए। ये लीजिए मॉम डैड आप दोनों कॉफी पीजिए, मैं अभी आती हूँ, देखिए कि जंगू कहाँ रह गया। ओके बेटा तुम जाओ, हम लोग यहीं पे, तुम आराम से जाओ आराम से आओ, ठीक है, डोंट वरी। जिन तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? हाँ कॉफी पियो, तुम कहाँ जा रही हो? वो मुझे थोड़ा काम है मेरे रूम में, मैं करके आती हूँ, तुम भी हो ना, तुम भी हो, मैं आती हूँ, तुम भी हो। ऐसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चली गई? जरूर कुछ खुराफात करने चली गई होगी। एनीवे मैं मेरा कॉफी पीता हूँ। वो जंगुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो ओ बाबू तुम भी ना, मॉम डैड आने के बाद तुम मुझे भूल ही गई। हाँ तुम मुझे याद ही नहीं है, तुम उनके पीछे ही रह गई हो। मेरा क्या, तुम्हारी अभी का क्या? हाँ इसे क्या हुआ अभी, ये क्या बोल रहा है, पागल पागल तो नहीं हो गया ये? फिर जंगुक टे को समझाता है इशारों से कि उसकी मॉम बारी खड़ी है और उन दोनों को ही नोटिस कर रही है। Shona, do you miss me? Come here, give me hug. क्या करूँ बेबी? मॉम डैड आए ना, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है ना, माय हबी। जिन तुझे इस वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले ये लोग कुछ अनहोली थिंग करना स्टार्ट कर जाए तो निकल जा यहाँ से, ये तेरे लिए अच्छा है। जंगकुक मॉम गई क्या? Yes बेबी, आंटी चली गई, डोंट वरी। शट अप जंगुक, यही वक्त मिला था तुम्हें फ्लर्टिंग करने का? हाँ हेलो जंगुक कहाँ चल दिया? हाँ तुम भी आके मेरे बाजू में सो के, ठीक है? तुम्हें पता है ना मॉम क्या कर रही है सुबह से, अगर उन्होंने देख लिया पटपटी परेशानी हो जाएगी। हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग दूर दूर सोएंगे, ठीक है? डोंट वरी मैं कॉच पे जाके नहीं सो रहा हूँ, ओके? Chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go by. ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है 10 days, ऐसे ही जिन इन दोनों के ऊपर जासूसी करती रहती है और ये दोनों भी बाबू शोना मोना ये सब करते रहते हैं टेकुक भी। बाबू वो फाइल पास करना मुझे? हाँ शोना एक मिनट, हाँ अभी देती हूँ मैं फाइल तुम्हें। अरे वाह क्या नजारा आज मुझे देखने को मिला, वाव लवबर्ड्स वाव, कैसे कर लेते हो तुम लोग? सो तुम लोगों की लाइफ कैसे चल रही है? हाँ जिमिना तू है यार, तू भी ना, तू भी हम लोगों का मजाक उड़ाना बंद कर, मॉम के सामने एक्टिंग कर कर के हमारी हालत ये हो गई है कि हम लोग यहाँ पे भी शुरू हो गए वही बातें करना। और पूछ मत, तू तो देख ही सकती है हम लोगों की हालत। हाँ हाँ वो तो दिख ही रही है, तुम दोनों तो पूरा ही कैरेक्टर के अंदर ही घुस गए डीपली। एनीवे चलो जी मैंने चलते हैं, हमें लेट हो रहा है ना, रात भी हो गई है, चलो घर चलते हैं। हाँ बिल्लू ठीक है चलो चलते हैं हम लोग। और तुम लोग बाबू शोना तुम दोनों भी घर चले जाओ, ठीक है? मैं यही कहने आने वाली थी कि हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग भी जाओ, ठीक है बाय। ये जिमिना बिना सुधरेगी नहीं। एनीवे चलो जंगुक हम लोग भी घर चलते हैं वरना मॉम वापस से शुरू हो जाएगी, चलो चलते हैं। ओके और तुम्हें याद है ना कल आंटी ने सुबह कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है जब हम लोग वापस जाएंगे रात को? हाँ मॉम ने कहा था क्योंकि हमें सुबह मीटिंग थी, हम लोग जल्दी जल्दी में आ गए, ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं मॉम क्या कहना चाहती है। जंगुक ये क्या कर रहे हो तुम? जंगुक ये सब
हाँ हम लोग अभी अभी हमारे घर पे आए हैं और यहाँ पे कोई है भी नहीं, हम लोग अभी तक रूम में है भी नहीं, और तुम ये सब कर क्या रहे हो? हाँ तुम किसे क्या दिखाना चाहते हो और यहाँ पे ये सब क्यों चालू कर लिया तुमने? क्योंकि बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए। हाँ बोलो मत जंगकुक, फेक हस्बैंड, रिमेम्बर दैट। आई नो तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आई नो कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ। वो देखो वहाँ से आंटी जा रही है, देखा तुमने? ओह नो मॉम, जंगकुक जंगकुक मेरी ये तूने क्या कर दिया, तूने जंगकुक का दिल दुखा दिया। वहाँ पे तो मॉम थी, वो तो मेरी मदद कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मैं मॉम से मिल लेती हूँ, फिर जाके उसे मनाऊंगी। A few moments later. तुम दोनों आ गए, कितना टाइम लगा थे बैग रख के आने में? हाँ मैं तुम लोगों को बुलाने भी आई थी लेकिन तुम लोग स्टैकेस में स्टार्ट हो गए। एनीवे छोड़ो, वैसे तुम दोनों को हुआ क्या, ऐसे क्यों लग रहे हो दोनों? वो कुछ नहीं आंटी, थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है और कुछ नहीं, हम सब ठीक है, हम दोनों ठीक है। मॉम आप भी ना हमेशा हमारे ऊपर ही नजर रहता है। एनीवे ये बताओ आपने हमें इतनी जल्दी क्यों घर पे बुलाया? हाँ क्या बात करनी थी आपको? ज्यादा कुछ नहीं, एक स्पेशल इंसान तुझसे मिलने आया, आई मीन स्पेशल गेस्ट तो बोल सकती है। और वो स्पेशल पर्सन कौन है? और वो स्पेशल पर्सन यहाँ पे, हाय ते। ओ बा तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कब आए? हाँ हाँ जब तू घर पे नहीं थी तभी मैं आया। वैसे आंट ने कहा था कि मैं तुझे सरप्राइज दूँ, वैसे तू अपने हस्बैंड से नहीं मिलेगी मुझे? हाँ हाँ व्हाई नॉट हो बा, मिलो ना जंगकुक, ये इनसे मिलो, ये है होसुक माय कजन, एंड हो बा ये है जियोन जंगकुक माय हस्बैंड। हाय जंगकुक, नाइस टू मीट यू, सेम हियर। वैसे कुछ दिनों के लिए हो भी यहीं पे रहने वाला है, ठीक है? ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल डैड, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत ज्यादा फन कर सकते हैं ना जंगकुक? बिल्कुल। वैसे ते जंगकुक तुम लोगों ने तो डिनर कर ही लिया है, ठीक है मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, स्वीट रुको। ओके मॉम जल्दी जा, जल्दी आओ हम लोग वेट कर रहे हैं। A few moments later. ऐसे ही कुछ देर तक सब लोग बातें करते हैं, फिर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं सब लोग। जंगकुक सॉरी ना यार, कब तक तुम मुझसे इतना नाराज रहोगे? मैं स्ट्रेस में थी, काम के स्ट्रेस में, और तुमने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया, सॉरी माफ कर दो। ओह माय हबी इज एंग्री विद मी, हां क्यों
क्या हुआ तेज, चुप क्यों हो गए? तुमने कहा तुम करती हो उसके बाद? नहीं हाँ मैं करती हूँ, लेकिन अभी हमें सो जाना चाहिए। सो जाओ, मैं टायर्ड हूँ, सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है तेज, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने नहीं सुना। दोपहर को तुम और जेमिन क्या बात कर रहे थे कैबिन में, तुम किससे प्यार करती हो, ये तो मैं तुम्हारे मुँह से निकलवा के ही रहूँगा और इस शादी को रियल भी बना के रहूँगा। जस्ट वेट, बिकॉज आई ऑल्सो लव यू ते, मुझे ही नहीं पता कभी मैं तुम्हारे इस एक्टिंग के चक्कर में कभी मैं तुझसे प्यार करने लग गया। लेकिन जब तूने दोपहर को कहा शॉर्टी से कि तू भी मुझसे प्यार करती है, तभी तभी मुझे लगा कि फिर ये एक्टिंग क्यों। हेलो साइंटिस्ट की छठी औलाद, बहुत सोच लिया, आ जाओ सो जाओ, ठीक है? हाँ सोचूंगा। वैसे तो तुम्हें पता कल मुझसे ना, मेरी सेक्रेटरी, उसने मुझसे डेट के लिए पूछा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ। व्हाट डेट? वो भी उस चुड़ैल के साथ? कब बता चंकू, तुमने सोचा भी तो उसके साथ डेट जाने की? हाँ वरना मैं तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथों में दे दूंगी, समझ गया तू? ओहो फेक वाइफी, इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस अपने फेक हस्बैंड के लिए? हाँ क्यों? मिस्टर जियान जंगकुक, फेक फेक बोलना बंद कर, मुझे नहीं पसंद। मत बोल फेक हस्बैंड फेक वाइफ, मत बोलना, मुझे नहीं पसंद। बट क्यों थे, ये तो फेक ही हमारी मैरिज है ना, मैं तेरा फेक ही हस्बैंड हूँ ना। वैसे भी अंकल आंटी कुछ दिनों में चले जाएंगे, फिर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा, तू भी अपने हिसाब से जीने लगेगी, है ना? ये क्या था जो तुमने अब किया? अगर ये सही था तो तुमने स्टेयरकेस पे ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ? हाँ स्टुपिड जंकू, तुम मुझे बचपन से जानते है ना, फिर भी तभी मैं टेंशन में थी यार, इतना ज्यादा काम, ये सब मॉम का जासूसी, इसके लिए मैंने गुस्से में कह दिया। लेकिन तू तो जानता है ना मेरे दिल की बात, फिर मुझे ही नहीं पता चंकू, जब भी हमारी एक्टिंग ऐसी रियल बन गई, हम लोग एक्टिंग करते करते कभी हमारी फीलिंग्स रियल में बदल गई, मुझे ही नहीं पता। मुझे तेरे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुझे प्यार करने लगी हूँ। ये 10 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल मैंने तेरे साथ बिता लिया है। मैंने कहा था कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगी, किसी रिलेशन में नहीं आऊंगी, देख अभी मैं ही मेरे स्टूपिड से फ्रेंड को प्यार करने लगी हूँ, कैन यू इमेजिन? हाँ ते, बचपन से हम दोनों साथ में, लेकिन कभी भी मैंने तेरे लिए ऐसा फील नहीं किया जो इस 10 डेज में, जब से हम दोनों साथ में इस फेक मैरिज, इस फेक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तब से मुझे कुछ अलग सा फील होने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं तेरा रियल हस्बैंड बन जाऊँ। तो तुझे रोका किसने, बन जा मेरा रियल लाइफ हस्बैंड? हाँ एक सेकेंड, तू कहीं ये तो नहीं कह रही है कि हमें वापस से शादी कर लेनी चाहिए, वो भी रियल वाली? वो सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आई लव यू और मैं तुझे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, और खबरदार तूने किसी के साथ भी डेट पे जाने की कोशिश की तो, समझ गया? आई लव यू टू डे और मैं किसी के साथ भी डेट पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे जानना था वो भी तेरे मुँह से, क्योंकि मैंने दोपहर को तेरी और शॉर्टी की बातें सुन ली थी कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। यू आर सो मीन जंकू, तुझे दोपहर से सब कुछ पता था और तू मेरे साथ एक्टिंग करता, जा मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। तुम्हारे इस क्यूटनेस में ही ना मैं फिदा हो गया और मैं तेरे प्यार में गिर गया। एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग रियल में शादी कर लेते और रियल के हस्बैंड वाइफ बन जाते जल्द से जल्द, ठीक है? तू कब से इतना ज्यादा शाय करने लगी थे, तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, तेरा गाल खींचने ऐसा मन कर रहा है मेरा। तेरा काफिराना, जंगो प्लीज ऐसा तो मत बोल, अभी तो तू मेरे फेक हस्बैंड से रियल हस्बैंड बनने वाला है, सो डोंट मेक मी शाय। ओके ओके, मैं अपनी प्यारी सी वाइफी को और नहीं छुड़ाऊंगा। आश जंकुक स्टॉप इट।
Bye.